लास्ट क्लास तो हम लोग कर रहे थे ना वेलोसिटी कर रहे थे हम लोग, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी उसके क्वेश्चन भी किए थे हमने कुछ। आज हम लोग पहले तो एक टॉपिक करते हैं एक्सेलरेशन, उसके बाद मैं ना लगभग 4-5 क्वेश्चन करवाऊंगा एनसीईआरटी के, जो जो अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो मतलब थोड़ा तो ट्रिकी होते हैं। इंटरनेट करके और आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा एक्सेलरेशन है। तो अगर हम थोड़ा इतिहास की बात करें ना, तो जब ये एक्सेलरेशन वर्ड बनाया था तो एक्चुअली ये वर्ड मेनली बनाने में इसका योगदान था गैलीलियो गैली का। तो उस वो ये चीज सोच रहा था कि अगर वेलोसिटी का चेंज देखना है तो किसके रेस्पेक्ट पे देखा जाए, टाइम के रेस्पेक्ट पे देखा जाए कि वेलोसिटी का चेंज कि डिस्टेंस के रेस्पेक्ट पे देखा जाए। क्योंकि हम ऐसा बोल सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। तो उस जब ये बनाया गया था तो उस समय कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या कैसे बोले। तो उस बंदे ने क्या देखा, उस बंदे ने देखा कि अर्थ पे अगर हम किसी चीज को फेंकते हैं तो टाइम के हिसाब से वेलोसिटी का चेंज सेम रहता है। मतलब अगर जैसे यहाँ पे वेलोसिटी अगर मान लो 1 है, यहाँ 2 हो गई, यहाँ 3 हो गई, यहाँ 4 हो गई, वेलोसिटी का चेंज हर एक सेकंड टाइम के हिसाब से इक्वल टाइम में वेलोसिटी का चेंज सेम रहता है, 1 1 1 चेंज करते हैं। लेकिन उसने क्या देखा कि अगर हम डिस्टेंस के हिसाब से देखें तो मान लो जैसे वेलोसिटी 1 है, इक्वल डिस्टेंस बाद देखें तो वेलोसिटी हो जाएगी मान लो 2। फिर हमने इक्वल डिस्टेंस बाद देखा, मतलब मान लो जैसे 1 1 मीटर बाद देखा हूं तो वेलोसिटी हो जाती है 2.9। सर सर हाँ बोलो। सर नहीं आया सब उनमें सर। देखो एक्चुअली क्या बोला यार कि जब शुरुआत हुआ था ना तो हमको देखना था कि वेलोसिटी का चेंज चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाय डिस्टेंस भी तो हो सकता था। देखो तो आज हमको पता है ना कि हम वेलोसिटी का चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम लेते हैं, यस और नो, यस सर। है ना। जब मैं तुमको बात बता रहा हूँ 15th सेंचुरी की, आज से लगभग 500 साल पहले, 600 साल पहले की बात है, तो वो लोग इसको क्यों नहीं सेलेक्ट किए थे, ये क्यों नहीं लिया उन लोगों ने, ये भी तो सवाल आ सकता है जो तुमने आज तक कभी सुना नहीं होगा। तुमने कभी सुना है कि कभी सोचा कि हमने चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन डिस्टेंस क्यों नहीं सेलेक्ट किया, हम उसके बारे में क्यों नहीं पढ़ते, ये भी तो हो सकता है। लेकिन ये इतना ये पॉपुलर नहीं है क्यों, बिकॉज अगर वेलोसिटी का चेंज देखा जाए इक्वल डिस्टेंस के साथ, जैसे मान लो वेलोसिटी 1 थी, फिर हो गई 2, बॉडी गिरी अर्थ के ऊपर, ठीक है, फिर 1 मीटर गिरी और वेलोसिटी हो गई बॉडी की 2.9, फिर 1 मीटर और गिरी वेलोसिटी हो गई 3.8। तो इक्वल डिस्टेंस के साथ जो वेलोसिटी का चेंज आता था वो सेम नहीं होता था। देखो 1 से बड़ी, 0.9 से बड़ी, यहां पर बड़ी वो 2.9 है, यहां मान लो बढ़ जाती है 0.7 से बड़ी, ऐसे, ठीक है। तो वो चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस जो होता है वो सेम नहीं रहता था, इसलिए हमने इसको काउंट नहीं किया, ठीक है। बाकी सिंपल भाषा में अगर देखा जाए तो हम क्या पढ़ते हैं, एक्सेलरेशन इज गिवन बाय
चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया एक्सेलरेशन, दिस इज एवरेज एक्सेलरेशन। मैंने एक्सेलरेशन के बारे में जो भी पॉइंट्स है वो सब लिखवा देता हूँ और उसके बाद हम लोग इसके सीधे न्यूमेरिकल्स पे आ जाएंगे। दिस इज एवरेज एक्सेलरेशन, पहली बात। दूसरा पॉइंट, ए इक्वल्स टू डीवी बाई डी टी, वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी बाय वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम। दिस ए इज, दिस इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। थर्ड पॉइंट हम बोल सकते हैं एक्सेलरेशन के लिए कि यूनिट क्या होती है इसकी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, अभी लास्ट पॉइंट जो है ना इसका, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हम लोग शायद से मैं 11th में पहली बार सीख रहे होंगे, 10th में ये शायद ऐसा नहीं बताया गया होगा कि जो एक्सेलरेशन होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, अगर हमने मान लो एक डायरेक्शन, मान लो हमने बोला कि ये राइट है, हमने बोला राइट में पॉजिटिव ले लो, तो अगर किसी बॉडी का एक्सेलरेशन अगर राइट में है तो हमने बोला ए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो लेफ्ट हम क्या ले लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे। अब समझना है इस चीज को कि कोई बॉडी एक्सेलरेशन जो होता है किसी बॉडी की स्पीड को घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है ना। अगर मान लो जैसे ब्रेक मारते हैं तो हम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करते हैं तो उससे गाड़ी की स्पीड घटती है, हम एक्सेलेटर मारते हैं तो उससे गाड़ी की स्पीड बढ़ती है। तो जो एक्सेलरेशन होता है बॉडी की स्पीड को घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है। कब घटाएगा कब बढ़ाएगा वो हमको समझ। सर वो हवा में बॉल फेंकेंगे तो फिर क्या चीज, वो हवा में बॉल फेंकेंगे हम लोग, हवा में बॉल फेंकेंगे वो घटाता है और जब नीचे ऊपर से नीचे फेंकते तो बढ़ाता है। तो याद रखना अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में है तो स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। अगर मान लो एक्सेलरेशन ऐसा है और वेलोसिटी इधर है, स्पीड घटेगी। स्पीड ये ना मैं एक लाइन ये लिखना मत अभी, ठीक है, मैं एक लाइन में लिखवा दूंगा, स्पीड इंक्रीजेस, स्पीड डिक्रीजेस। अगर मान लो मैंने बोला कि ये डायरेक्शन को नेगेटिव लिया जाए तो यहाँ पे ए नेगेटिव हो जाएगा और वेलोसिटी हमारी इधर है वो भी नेगेटिव है, डायरेक्शन सेम है तो स्पीड इंक्रीजेस। अगर सोचो एक्सेलरेशन इधर होता और वेलोसिटी इधर होती, वेलोसिटी पॉजिटिव होती और एक्सेलरेशन नेगेटिव होता तो स्पीड डिक्रीज। कहने का मतलब ये है सिंपल भाषा में कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का सेम साइन होगा, जैसे देखो यहाँ पे सेम साइन दोनों पॉजिटिव है, यहाँ पर देखो दोनों पॉजिटिव, तो स्पीड बढ़ेगी, और अगर ऑपोजिट साइन होगा तो जो स्पीड होगी बॉडी की वो घटेगी। ठीक है, इसको ना मैं ये सब इतना लिखने की जरूरत नहीं है, खाली समझाने के लिए था वो, क्योंकि इस पे ना रिलेटेड एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो लिख लेना इस चीज को, द स्पीड ऑफ बॉडी इंक्रीजेस इफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हैव सेम साइन एंड डिक्रीजेस। सर बोलो। सर स्कूल में इसके रिलेटेड तीन डेरिवेशंस पे आते सर, मतलब डिराइव करने थे। हाँ, v इक्वल टू u प्लस ats इक्वल टू ut प्लस r पीटी स्क्वायर ना। हाँ सर, ये तीन इक्वेशन बनाने थे स्कूल में, क्वेश्चन आए वो करवाऊंगा मैं, उसको मैं दोनों मेथड से कराऊंगा, ग्राफ से भी कराऊंगा और कैलकुलस से भी कराऊंगा। एंड डिक्रीजेस इफ दे हैव
कंपोजिट्स का, इतना ना एक्सेलरेशन के लिए नोट कर दो। अच्छा, अगर एनसीईआरटी की बुक है तो एनसीईआरटी की बुक खोल लो, पेज नंबर 57 निकाल लो। नहीं है बुक तो भी क्या कहते हैं, सीधे मोबाइल में टाइप करो एनसीईआरटी चैप्टर 3 क्लास 11, गूगल में टाइप करो आएगा, डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है, जैसे व्यू करने का ऑप्शन आता है। बोल सर कौन सा पेज नंबर? पेज 57। स्टार्ट करते हैं लोग, ठीक है? पेज 57 है, क्वेश्चन नंबर 3.11, क्वेश्चन नंबर 3.11। देखो याद रखना, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा होता है, ठीक है? एनसीईआरटी को हल्के में मत लेना, एनसीईआरटी का लेवल जो होता है एकदम शानदार लेवल होता है, चुनिंदे क्वेश्चंस होते हैं उसमें, लेकिन जो भी क्वेश्चंस होते हैं ना वो एकदम अच्छे कैडर के होते हैं, जो कि हमारे कंसेप्ट को काफी क्लियर करते हैं। ऐसा देखो 3.11 का क्वेश्चन नंबर ए देखो, यहां बोला गया है कि रीड ईच स्टेटमेंट केयरफुली, हर स्टेटमेंट को पढ़ना, एंड स्टेट विथ रीजन एंड एग्जांपल इफ इट इज ट्रू और फॉल्स, हमको बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। पहला क्वेश्चन है पार्टिकल विथ अ पार्टिकल इन वन डायमेंशन मोशन, एक कोई पार्टिकल है वन डायमेंशन मोशन में, और पार्टिकल विथ वन डायमेंशन मोशन विथ जीरो स्पीड, विथ जीरो स्पीड एट एनी इंस्टेंट मे हैव नॉन जीरो एक्सेलरेशन at that instant। बोला गया कोई पार्टिकल है जिसकी स्पीड जीरो है, क्या उसका एक्सेलरेशन उस समय नॉन जीरो हो सकता है? क्या बोलते हो, यस और नो? फॉल्स। कोई कोई नहीं हो सकता। कोई बोला ट्रू? कोई ट्रू बोल सकता, बोलता है? सर एक बार क्वेश्चन क्या बोलोगे बाप? ये कोई बॉडी जिसकी स्पीड जीरो है, हाँ ठीक है, एट एनी मोमेंट, क्या क्या ऐसा पॉसिबल है उसकी उसकी स्पीड जीरो है लेकिन उसके पास एक्सेलरेशन हो उस समय? यू मुझे बता सकते हो रीजन क्या होगा? कोई एग्जांपल दो, ट्रू बोल रहे हो तो। कोई एग्जांपल दो। देखो मे है यहाँ पे, क्या ऐसा पॉसिबल है एक भी सिचुएशन अगर निकल करके आती है हो? देखो मैं बता रहा हूं, अगर मान लो हमने बॉडी को लिया ऐसा, ठीक है, अगर हमने बॉडी को फेंका ऊपर, ट्रू है, देखो हमने बॉडी को ऊपर फेंका, जब बॉडी टॉप पे जाती है ना तो वहां पर जाके बॉडी की स्पीड जीरो हो जाती है, यस। लेकिन ग्रेविटी तो बॉडी के ऊपर हमेशा लग रहा होता है, तो ग्रेविटी किधर लग रहा होता है? नीचे लग रहा होता है जी। देखो इसकी स्पीड तो जीरो है लेकिन इस पे अभी भी इसका एक्सेलरेशन जो होता है जी के इक्वल हो, यानी कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। एग्जांपल क्या ले सकते हैं, एट मैक्सिमम हाइट when body is thrown up then
एट मैक्सिमम हाइट इट्स स्पीड इज जीरो बट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो. हो गया सबको, कोई दिक्कत नहीं समझने में? सर मैं नहीं समझा सर. देखो अगर कभी बॉडी की स्पीड जीरो हो तो क्या ऐसा हो सकता है कि उसके पास एक्सेलरेशन हो? नो. कैसे? एग्जांपल दिया ना मैंने. देखो क्या कभी बॉडी की स्पीड जीरो हो तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि उसकी उसके पास एक्सेलरेशन हो? तो अगर किसी बॉडी को ऊपर फेंक दो, ठीक है, ध्यान सुनना, हमने बॉडी को ऊपर फेंका, तो ऊपर फेंका तो मैक्सिमम हाइट पे स्पीड क्या हो जाती है बॉडी की? जीरो. लेकिन ग्रेविटी लग रही होती है नहीं लग रही होती उस समय? हाँ समझ गया, मत ग्रेविटी खींचेगी नीचे. हाँ देखो 99% केसेस में ये बात क्या कहते हैं, स्पीड जीरो होती है तो एक्सेलरेशन भी जीरो होता है. 99% केसेस में ऐसा होता है, लेकिन एक केस में ऐसा नहीं होता. तो यहाँ पूछा गया मे क्या हो सकता है, तो आंसर है यस हो सकता है. बात समझ में आई कि नहीं आई? यस. तो हाँ बोलो. और कोई केस है या एक ही केस है? अभी जीरो स्पीड और ऐसे हम केसेस अर्थ बना सकते हैं. ठीक है ठीक है. मान लो क्या कहते हैं, हमने किसी बॉडी को धक्का दिया, ठीक है, स्प्रिंग पे लगा दिया, ठीक है. अब यहाँ पे जैसे हमने इसको धक्का दिया, अब ये बॉडी दब रहा, ठीक है. एक हमने क्या किया, एकदम यहाँ पे इसकी स्पीड जो होती है ना, हमने पुश किया, इसको वेलोसिटी मिली और ये स्प्रिंग दब रहा है. एक समय आके इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, है ना? क्योंकि स्प्रिंग इसको हमने इधर धक्का दिया, स्प्रिंग इस पे इधर लगा रहा फोर्स. लेकिन जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो स्प्रिंग तो फोर्स लगा रहा होगा, यस और नो? यस सर. तो एक्सीलरेशन फोर्स है तो एक्सीलरेशन होगा, बिकॉज एक्सीलरेशन तो फोर्स बाय मास होता है ना. हां सर. तो ये वाला केस भी ले सकते हैं. जब ये स्प्रिंग फोर्स लग रहा है इसलिए. हाँ स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, ठीक है. हालांकि एग्जाम में एक केस लिख करके आ जाओगे ना तो काफी है. ये क्या, ये तो मेरे दिमाग में क्लिक कर गया अभी, लेकिन मैंने एसएचए में पढ़ाया जाता है, लेकिन ऐसा किताबों में इसका आंसर नहीं दिया गया, किताब में यही आंसर दिया गया, ये भी सही है. तो मैंने बोला ना 99% केस में एक्सेलरेशन जीरो होता है, लेकिन एक दो केस पे, तीन केस में एक्सेलरेशन नॉन जीरो हो सकता है. बात समझ में आ गई सबको? सर लेकिन वेलोसिटी वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो जीरो ही हो जाएगा. नहीं तो अभी टाइम भी तो तुम देखो ना, अगर तुमने मान लो फॉर्मुला देखा v इक्वल टू यू प्लस एटी, ठीक है, तो वेलोसिटी क्या कहते हैं, u जीरो होगा, टाइम तुरंत देखते हैं तो जीरो हो जाएगा वेलोसिटी. हाँ फिर तभी तो उसके, अगर टाइम थोड़ा सा और ज्यादा देखेंगे तो उसकी स्पीड बढ़ना चालू होती है ना. नहीं तो अगर सोचो ना, खुद से सोचो, आर्ग्यू करो मेरे साथ. मैंने बोला बॉडी टॉप पे गई और इसकी स्पीड जीरो हो गई, तो बॉडी नीचे क्यों गिरता है मेरे को फिर, अगर एक्सीलरेशन नहीं है तो? नहीं गिरेगा, नहीं ना. तो फिर मतलब तुम बॉल को फेंके और अगर ये बोलो कि नहीं सर टॉप पे जाके स्पीड जीरो हो जाती है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं है, तो ठीक है. मतलब तुम बॉल को अगर ऊपर फेंकते तो बॉल तो ऊपर में रह जानी चाहिए ना. हाँ सर, है ना. तो बात समझ में आके, जो कोई दिक्कत नहीं समझ में आना, अच्छे से क्लियर हो गया? हो गया, हो गया. आगे बढ़ते हैं. सेकंड क्वेश्चन सर, वो स्पेशल वन केस में सर, स्पेशल वन के 1% वाला आपने कहा था सर, तो उसका एक एग्जांपल दो ना. तो बोलो ना, ऐसे तो बहुत सारे केस है. तुम्हारी गाड़ी एक्टिवा खड़ी हुई है, स्पीड कितनी है, जीरो है, एक्सेलरेशन कितना है, जीरो है, है ना. जनरली ऐसा ही होता है, स्पीड जीरो की तो एक्सेलरेशन जीरो होता है, ठीक है. लेकिन 1-2% केस में ऐसा हो सकता है कि स्पीड जीरो लेकिन एक्सेलरेशन नॉन जीरो, जैसे कि ऊपर फेंका बॉडी को, या स्प्रिंग वाले केस में होता है, ठीक है, ऐसा, ठीक है. और ऐसे केस जब भी होते हैं ना, जब ये वाला ट्रू वाला केस होता है ना, तो बॉडी पता हमेशा लॉट के नीचे आ जाता है. जैसे देखो ऊपर फेंका बॉडी को, बॉडी नीचे आ जाता है. स्प्रिंग वाले केस पे देखो,
बॉडी इधर गया ठीक है, तो बॉडी फिर लौट के इधर चला जाता है ऐसा, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है, मतलब उसके मतलब उस मोमेंट के बाद डिस्प्लेसमेंट होता है, बॉडी मूव करता है उस मोमेंट के बाद। सर मतलब फिर वहां पे ही आ जाता है जैसे चालू मतलब किया जहां पे, मतलब जहां पे जाकर के स्पीड जीरो होगी वहां से वो टर्न बैक कर जाता है, ठीक है ना? यस सर। है ना, देखो ऊपर फेंकोगे तो नीचे आती है, ब्लॉक की स्पीड जीरो जाती है, लेकिन फिर ऐसे जा रहा था फिर लौट के चला जाता है ऐसा, क्लियर होगी बात? यस सर। किसी को कोई परेशानी तो पूछ लो। नो डाउट सर। चलो नो सर, आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, देखो ये सब क्या अच्छे सवालों में आते हैं, ठीक है ये सब। अब बोला गया है विथ जीरो स्पीड, बी पार्ट इज विथ जीरो स्पीड मे हैव नॉन जीरो वेलोसिटी। अगर बोला गया किसी बॉडी की स्पीड अगर जीरो है तो क्या उसकी वेलोसिटी नॉन जीरो हो सकती है? फॉल्स। फॉल्स होगा। सीधी सी बात है, कल मैंने बताया था कि देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होती है वो वैल्यू होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यस और नो? यस सर। वो आपने मैग्नीट्यूड बोला, वो मैग्नीट्यूड होता है। तो यहाँ पे अगर किसी बॉडी के पास जीरो ठीक है जीरो स्पीड है ठीक है, तो वहां पर वेलोसिटी भी जीरो होगी, क्योंकि जो स्पीड होता है वो वेलोसिटी की वैल्यू होती है। क्लियर होगी बात? ठीक है। yes. इसमें फॉल्स लिख देंगे, रीजन यहाँ पे क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। जो अगर आपको बोला गया कि किसी बॉडी की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ डायरेक्शन में है तो उसकी स्पीड क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड। अगर नॉन जीरो वेलोसिटी है तो स्पीड भी कैसी होगी? नॉन जीरो होगी। और जीरो स्पीड है मतलब वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। समझ आ गई बात? आगे बढ़े। यस सर। पार्ट विथ कॉन्स्टेंट स्पीड। अच्छा ये जितने भी है ना ये लेकर पार्टिकल इन वन डायमेंशन मोशन की बात हो रही है, ठीक है ये जो मैंने पढ़ाया, ठीक है ये किसकी बात हो रही है? यहाँ पार्टिकल जो है पार्टिकल इन ऑफ मोशन इन वन डायमेंशन। चलो थर्ड पार्ट पे आते हैं हम लोग। विथ कॉन्स्टेंट स्पीड मस्ट हैव जीरो एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। बाकी लोग क्या बोलते हो, कोई है जो फॉल्स बोलने वाला है? True, true. सबको ट्रू बोल रहे हो, ठीक है। इसको अगर स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। देखो ये क्वेश्चन है वन डायमेंशन में, तो वन डायमेंशन मोशन में डायरेक्शन तो चेंज हो नहीं सकता है, बॉडी मूव करेगा स्ट्रेट लाइन में, तो अगर स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो। अच्छा एक बात सोच के बताओ मेरे को, मैं ना थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हूँ, थोड़ा तुमको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? सोचो बताओ, अगर मान लो एक बॉडी ऐसा जाता है और ऐसे जाकर के टकराता है, और टकराता है 5 मीटर पर सेकंड से, और फिर लौट के चला जाता है 5 मीटर पर सेकंड, टकराता है इसे फिर लौट के आ जाता वापस, तो इसका डायरेक्शन चेंज हुआ, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे इसके पास बीच पे एक्सेलरेशन आया था?
हाँ सर आया था। सर एक बार रिपीट करो वापस। देखो मैंने बोला कि 5 मीटर पर सेकंड से गया, टकरा के लौट के आ गया, ठीक है, स्पीड 5 थी, अभी भी 5 ही है स्पीड, लेकिन डायरेक्शन चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो एक्सेलरेशन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर, लेकिन एक पॉइंट पे तो वो जीरो हो जाएगा ना, उसका जो स्पीड होगा वो टकराएगा तब। देखो पता, यही चीज स्मार्ट आंसर है। देखो यही चीज मैं बोल रहा हूँ कि एक मिनट, कि अगर सुना ध्यान से, विद कांस्टेंट स्पीड मस्ट हैव जीरो एक्सीलरेशन, जब बॉडी टकराता है ना, ठीक है, तो देखो जब बॉडी टकराता है ना, तो जैसे मान लो कोई चीज टकराएगी दीवार के साथ, तो क्या होता है उसकी, वो थोड़ा दब रहा होता है, दब रहा होता है ना, तो उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड होती है, वो धीरे 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 कम हो रही होती है, फिर वो स्पीड वापस रिटेन करता है, तो जब वो टकराएगा तो स्पीड चेंज करेगी। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि स्पीड कैसी रहनी चाहिए, कॉन्स्टेंट, ठीक है, तो ये वाला तो सिचुएशन है ना। सर इसमें न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन आ गया। हाँ लॉ ऑफ मोशन आ गया, मतलब यहाँ पे स्पीड चेंज हो रही है इस केस पे टकराने के टाइम, तो ये वाला केस हम कंसीडर नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आई बात समझ में? है ना? हाँ सर, ठीक है ना, तो दिस इज ट्रू। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ शॉर्ट में, इन कोलिजन स्पीड रिमेन्स, कोलिजन केस, इन कोलिजन फोर्स देयर इज सम एक्सेलरेशन, एंड मोशन इन in one dimension, but it cannot be considered because during collision speed of body changes. देखो पांच से जा रही है, जब टकराएगा तो स्पीड 4, 3, 2, 1 हो जाएगी, ठीक है, अब फिर क्या होगा, बॉडी थोड़ा सा फैलेगा, जैसे कोई रबड़ है पहले दबेगा तो स्पीड कम होगी, 5, 4, 2, 1, फिर वो रबड़ फैलेगा, फिर वो 1, 2, 3, 4, 5, फिर वो आगे बढ़ जाएगा, तो कोलिजन के समय का स्पीड चेंज कर रही है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया, कांस्टेंट स्पीड होनी चाहिए, तो इसलिए वो कंसीडर, वो केस हम कंसीडर नहीं कर सकते। क्लियर हो गया सबको, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े? क्लियर सर, आगे बढ़ते हैं। डी ऑप्शन, डी क्वेश्चन, क्वेश्चन है विद पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन बॉडी मस्ट बी स्पीडिंग अप, फॉल्स, कोई ट्रू बोलने वाला है? विद पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन बॉडी मस्ट बी स्पीडिंग अप, यस सर, ट्रू, मैं फॉल्स, 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 सब कोई ट्रू, कौन बोल रहा है सर? मतलब मैं एम्बिगुअस स्टेटमेंट है ये, मतलब कभी ट्रू भी हो सकता है कभी फॉल्स भी हो सकता है, ट्रू क्यों बोल रहे हो सर? क्योंकि जब वो स्पीड अप कर रहा होगा सर तो एक्सीलरेशन तो होगा ही ना। देखो मैं बोल रहा हूँ अगर पॉजिटिव एक्सीलरेशन है तो क्या हमेशा बॉडी की स्पीड बढ़ेगी? कि पॉजिटिव एक्सीलरेशन से स्पीड घट भी सकती है,
याद करो मैंने क्या पढ़ाया था अभी पीछे पे, सबको ध्यान से देखो क्या पढ़ाया मैंने अभी। कांस्टेंट रखते जब स्पीड नहीं बढ़ती है। अगर सोचो मान लो कि अगर कोई बॉडी ऐसा हो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, मान लो हमने एक्सेलरेशन बोल दिया पॉजिटिव है, ठीक है राइट को ले लिया पॉजिटिव, और अगर सोचो वेलोसिटी अगर इधर है नेगेटिव, एक्सेलरेशन तो हमारा पॉजिटिव है, क्या बॉडी की स्पीड घटेगी कि बढ़ेगी? बोलो यहाँ पे बाकी सबको बोलो, सबको आंसर दो। नंदनी परम वेटेशी वंश घटेगी ना, क्योंकि देखो डायरेक्शन अपोजिट है ना, तो एक्सेलरेशन yes, तो घटेगी इस केस में। तो याद रखना है कि हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोल रहे हैं, हमको ये भी देखना होगा कि अगर वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगी तभी वो बढ़ सकती है, ठीक है। तो दिस इज, और यहाँ लिखा हुआ मस्ट, ठीक है तो मस्ट पे तो नहीं आ सकता आंसर, तो आंसर इज फॉल्स, ठीक है। और रीजन में क्या लिखेंगे हम लोग, वी आल्सो हैव टू सी, मतलब अगर वेलोसिटी नेगेटिव हो और एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो तो फिर स्पीड घटती है, घटेगी क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट होगा ना। हाँ ना, यू हैव टू सी इफ, यू हैव टू सी इफ वेलोसिटी इज आल्सो पॉजिटिव ऑन, समझ आ गया सबको, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। यस सर। सर अगर दोनों आगे जा रहा हो तो, दोनों पॉजिटिव हुआ तो बढ़ सकती है। तो अगर यहाँ पे अगर यही क्वेश्चन अगर मे में अगर आ जाता तो मैं ट्रू लिख देता। अच्छा है ना, मे और मस्ट में फर्क समझना, ठीक है। हाँ सर, आगे बढ़ो, नए क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3.16, क्वेश्चन सबको ध्यान से पढ़ो। लुक एट द ग्राफ ए टू डी केयरफुली एंड स्टेट विद रीजंस व्हिच दीज कैन नॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट वन डायमेंशनल मोशन ऑफ द पार्टिकल। कौन से ग्राफ जो है वन डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ये x है, ये टाइम है। अभी जो जो आंसर दे रहे सब बाकी सब आंसर दोगे, सोचो थोड़ा बुद्धि चलाओ, बुद्धि खोलोगे तभी चलेगी। क्या बोला गया कि ऐसा डिस्प्लेसमेंट है, क्या ये वन डायमेंशन मोशन को रिप्रेजेंट कर सकता है, यस और नो बताओ, क्या क्या बोलते हो, यस और नो? नो नो सर। कोई बोलने वाला है यस, कोई यस में बोलने वाला है? नो सर, कोई नहीं। बेटी क्या बोलती है तुम? सर नहीं समझ आया। मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या ये वन डायमेंशन मोशन रिप्रेजेंट कर सकता है, यस और नो? नो सर। क्यों नहीं कर सकता है? सर इसका टेंजेंट ऑब्ट्यूस एंगल बनाता है। नहीं, टेंजेंट नहीं दिख रहा है। कृषि बता सकती हो? कृषि नंदिनी, रोशन बता सकते हो? देखो अगर मान लो ये हमारा क्या दिखाता है, एक्स हमें दिखाता है पोजीशन, ठीक है याद रखना एक्स किसका, देखो कुछ सिंबल फिक्स है, एक्स क्या दिखाता है पोजीशन। अब अगर मान लो पोजीशन दिखा रहा है तो मान लो मैंने यहाँ पे कैसे लाइन ड्रॉ कर दी, ऐसे कर दी। अब अगर एक टाइम पर देखा जाए तो बॉडी की पोजीशन ये भी है और बॉडी की पोजीशन ये भी है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ही टाइम पर बॉडी दो अलग अलग पोजीशन पे हो? अभी मैं जैसे बोलूंगा, मैं तुमसे पूछूंगा कि तुम कहाँ पर हो, तुमने बोला कि सर मैं घर पे हूँ बेसू में, ठीक है।
तो मैंने पूछा कि अच्छा अभी वेसु में हो, तो अभी अगर मैं क्या कहते अभी कि अभी क्या तुम पिपलोद में भी हो सकती हो? तो बोलोगे सर पागल वाली क्या बात कर रहे, तो वही बात होगी ना यार, पागल वाली बात होगी। देखो तो एक ही टाइम पे बॉडी का पोजीशन ये भी है और ये भी है, क्या पॉसिबल हो सकता है ये? यस और नो? नो सर। तो सीधी सी बात है, नॉट पॉसिबल। रीजन क्या है? एट ए गिवन इंस्टेंट बॉडी कैन नॉट हैव टू पोजिशन। समझ आ गया सबको? आगे बढ़े? यस यस यस। अब इसको बताओ मेरे को, ये वाला क्या पॉसिबल हो सकता है? नो सर, नॉट पॉसिबल। बोलो सर। सर ये सॉरी सर, सर मुझे समझ में नहीं आया सर कि सर मतलब ये जो लाइन है वो किसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब बॉडी को? ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है। हाँ सर। नहीं ये तो मैंने अपने मन से ड्रॉ कर दिया। ये तो अच्छा। जो जैसे जो ग्राफ है ना वो दिखाता है कि टाइम के साथ ऑब्जेक्ट कैसे कैसे जा रहा है ना, जैसे 1 सेकंड में यहाँ पे, 1 सेकंड 2 सेकंड में यहाँ पे, अभी 2 सेकंड में यहाँ पर भी दिखा के देखो ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट का रास्ता पाथ दिखा रहा है। आई बात समझ? अच्छा यहाँ पे अगर देखा जाए तो टाइमिंग और वेलोसिटी के ग्राफ पे देखो, एक ही टाइम पे बॉडी के पास दो वेलोसिटी दिखाई गई है, क्या पॉसिबल है कि बॉडी के पास दो वेलोसिटी हो जाए एक ही मोमेंट? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, सो दिस इज आल्सो नॉट पॉसिबल। क्योंकि देखो मतलब ये हुआ कि हाँ सही है ब्रेन, अगर मान लो अब हम मान लो एक्टिवा चला रहे, अभी मान लो मैं एक्टिवा चला रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ सिटी लाइट से जा रहा हूँ मान लो पिपलोद, तो मेरा वेलोसिटी का डायरेक्शन फ्रॉम सिटी लाइट टू पिपलोद हुआ ना। अभी उसी समय में उसी मोमेंट पे ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा डायरेक्शन पिपलोद टू सिटी लाइट भी हो? ये तो देखो ये पॉजिटिव वेलोसिटी है, ये नेगेटिव वेलोसिटी है, नेगेटिव डायरेक्शन अपोजिट है, तो ऐसा थोड़ी हो सकता है मेरा मेरे एक्टिवा का जो भी क्या कहते हैं जो हेडलाइट होगी वो इधर पॉइंट करेगी ना, ऐसा कैसे हो सकता है उसी समय पीछे भी पॉइंट कर रही है? ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना, तो रीजन क्या लिखेंगे? नॉट पॉसिबल एट ए गिवन मोमेंट, एट ए गिवन इंस्टेंट बॉडी कैन नॉट हैव टू वेलोसिटी। और किसी को अगर और सिंपल भाषा में समझना है तो बोलेंगे एट एनी गिवन इंस्टेंट बॉडी कैन नॉट मूव इन टू डायरेक्शन। ठीक है, ये डायरेक्शन राइट हो जाएगा तो डायरेक्शन लेफ्ट हो जाएगा, ऐसा ही हो सकता है। आगे बढ़े? यस। इसको एक मिनट इसको फटाफट नोट कर लो, इसे नहीं नोट किया फिर आगे बढ़ते हम लोग। अब इसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन, टाइम है स्पीड है। ठीक है, कुछ बच्चे बिल्कुल आंसर नहीं दे रहे, जरा दोनों कृषि मुझे बताओ क्या ये ग्राफ पॉसिबल है? स्पीड और टाइम बोलो। नो सर। तो क्यों पॉसिबल नहीं है? स्पीड नेगेटिव है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, परफेक्ट। देखो स्पीड यहाँ पे ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है, तो स्पीड यहाँ पे नेगेटिव हो नहीं सकती है। याद रखना डिस्टेंस जैसे नेगेटिव नहीं हो सकता वैसे स्पीड भी नेगेटिव नहीं हो सकती सर। नॉट पॉसिबल। हाँ बोलो सर। अगर वहाँ पे वेलोसिटी होता मतलब तो हो सकता की जगह तो राइट था तो हो सकता सही होता। ओके, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, क्योंकि अगर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है
और कोई भी एक मोमेंट पे बॉडी के पास ऐसा नहीं कि दो वेलोसिटी आएगी, सिंगल कोई भी टाइम ले लो हमेशा सिंगल वेलोसिटी आएगी, इसलिए पॉसिबल होगा। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है इसका, इससे रिलेटेड, टोटल पाथ लेंथ के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं डिस्टेंस। नंदनी बताओ तो इसका आंसर क्या होगा, क्या ये पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है? पॉसिबल है? बाकी लोग क्या बोलते हैं, पॉसिबल है ये? नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है ये सर? क्योंकि डिस्टेंस नीचे कम थोड़ी होता है, बढ़ता है ना। हाँ डिस्टेंस का भी सही बोले, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या, पाथ पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है, देखो है ना, नॉट पॉसिबल, सही है। ये कैन नॉट डिक्रीज, एक्चुअली चेंज कर सकता है एक अभी डिक्रीज। देखो पहले क्या हुआ, टाइम बढ़ा तो पाथ लेंथ बढ़ा, फिर टाइम और बढ़ा, अब पाथ लेंथ घट रहा है। पाथ लेंथ कभी भी घट नहीं सकता। अगर चल रहे हो हम 5 मीटर चले, ठीक है, और फिर अगर हम मुड़ जाते हैं और अगर हम 2 मीटर चलते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अभी हमने हमारा पाथ लेंथ जो 2 मीटर हो गया, पहले पढ़ 0 से 5 हुआ था, अब वो घट के 0 हो गया, ऐसा नहीं है। अगर हम लौट करके अपनी जगह पे अगर आ जाते हैं तो ऐसा नहीं कि हमारा पाथ लेंथ पहले 0 से 5 बढ़ के हुआ फिर 5 से वो 0 हो गया। हमारा पाथ लेंथ 5 हुआ, अब 5 मीटर फिर चढ़ के हम लोग लौट करके आए तो हमारा पाथ लेंथ हो जाएगा 10 मीटर। पाथ लेंथ ऑलवेज इंक्रीजेस, इसका ग्राफ जो है ना वो हमेशा ऐसे बढ़ता चला जाएगा, ये कभी भी कम नहीं हो सकता। तो नॉट पॉसिबल, और यहाँ पाथ लेंथ डिक्रीज कर रहा है, बिकॉज पाथ लेंथ नेवर डिक्रीजेस। ठीक है, समझ आ गया? नंदिनी आ गया, क्लियर हो गया? सर एक बार मुझे वापस समझाना सर ये वाला। देखो ये मान लो अगर तुम यहाँ से आ जाते हो, यहाँ पे गए 5 मीटर गए, ठीक है, अब अगर तुम वापस से यहाँ पे आते हो, अगर 5 मीटर तुम कितना पाथ कवर किए बताओ मेरे को, 5 मीटर किए कितना तुम चले, 5 मीटर चले, 0 मीटर चले कि 10 मीटर चले? सर नहीं सर चले या फिर सर एक जगह पे गए वापस, एक जगह से निकले वापस वहीं पे पहुंच गए। हाँ, तो सर डिस्टेंस कवर किया लेकिन पोजीशन तो जीरो ही होगी ना वहाँ पे। वो देखो पाथ लेंथ मतलब डिस्टेंस होता है। अच्छा ठीक है, डिस्टेंस कभी भी कम हो सकता है क्या? नहीं नहीं, डिस्टेंस तो हमेशा बढ़ेगा ना। अगर 5 मीटर जाओगे फिर 5 मीटर आओगे तो डिस्टेंस कितना, 10 मीटर हुआ कि 0 मीटर हुआ? 10 मीटर। तो वो डिस्टेंस तो कभी कम नहीं हो सकता। यहाँ तो डिस्टेंस देखो कम होते हुए दिखाया जा रहा है ना, देखो तो ज्यादा से कम हो रहा ना डिस्टेंस, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा सर? ये 5 मीटर था, देखो 0 मीटर हो रहा है कि नहीं हो रहा टाइम के साथ, देखो तो हो रहा है सर। ये पॉसिबल ही नहीं। बोलो सर, इसके की जगह डिस्प्लेसमेंट लिखा होता तो सही होता, परफेक्ट होता, ये पॉसिबल हो जाता, ठीक है ना? यस सर, फिर वो पॉसिबल हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लिखा टोटल पाथ लेंथ मतलब डिस्टेंस। ये हो गए क्वेश्चन हमारे अच्छे से। उसके बाद अब एक क्वेश्चन मैं और कराता हूँ, उसमें ये अच्छे क्वेश्चंस में आते थे। अभी उसके बाद देखो एग्जाम्पल 3.3 क्वेश्चन देखो, वहां पे लिखा हुआ है, अ वुमन स्टार्ट्स फ्रॉम अ होम एट 9 AM, ठीक है, सुबह 9 बजे घर से निकलती है, वॉक्स विद द स्पीड ऑफ 5 km/h ऑन द स्ट्रेट रोड अप टू अवर ऑफिस 2.5 km अवे, स्टेज
at the office up to 5 p.m. and returns by speed of 25 km per hour to suitable scale dot xt graph. तो थोड़ा ग्राफ बनाने हमको आना चाहिए, तो ये काम करता हूँ ना, ग्राफ वाला टॉपिक मैं बाद में डिस्कस करूँगा। ग्राफ मैंने कभी करवा स्टार्ट नहीं किया, पहले मैं एक्सेलरेशन के एक दो क्वेश्चंस करवा देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग ग्राफ करेंगे। एक्सेलरेशन वाला टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था, आसान सवाल से स्टार्ट करते हैं हम लोग। सिंपल क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। याद रखना एक को डी वी बाई डी टी होता है, और एक याद रखना डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू एन क्या होता है, एन एक्स रेज टू एन माइनस वन होता है। ये दो फॉर्मूला ये कभी भूलना नहीं है, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। क्वेश्चन है, मोशन इज गिवन बाय s equals to 3t cube plus 7t square plus 14t plus 8 meter. Value of acceleration at t equals to 1 second is, option है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 23 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप बताओ, ठीक है, बाकी लोग क्या बोलते हो? सही है भाई, वेरी गुड। बाकी लोग क्या बोलते हो? मनन नंदिनी सही है, वेरी गुड। सबको दो आंसर, खाली दो तीन बच्चे आंसर देते हैं, बाकी लोग कोशिश भी नहीं करे लगता है। अक्षय आंसर दो, 3 इब्राहिम, इब्राहिम देता आंसर, यार आंसर दिया करो। हाँ सर, कर रहा हूँ। हाँ सही है, सही है, सबका सही है, बहुत अच्छा, ठीक है। ऐसी कॉस्ट तो ये है, मैंने बता के रखा था कि क्या कहते हैं, सही है, परफेक्ट। अरे डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है, तो ये वेलोसिटी हो जाएगा 9t स्क्वायर प्लस 14t प्लस 14, और एक्सेलरेशन हो जाएगा 18t प्लस 14, ये 0, ठीक है। टाइम कितना दिया गया, 1 सेकेंड, 18 प्लस 14 हो जाएगा 32 मीटर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा मैं लेवल ऊपर करता हूँ। क्वेश्चन है कि सर एक बार वो सम करो ना, ये किया ना, देखो डिफरेंशिएट खाली कर दो ना, डीएस बाय डीटी, तो वेलोसिटी निकाल लो, उससे एक्सेलरेशन निकाल लो। देखो अगर कोई बच्चे ने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है ना, तो वो नहीं भी ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं, मैं अलग से करवा दूंगा, ठीक है। अगर जो बच्चे नए ज्वाइन किए जिनको डिफरेंशिएशन नहीं आता है ना, वो एक बार के लिए छोड़ देना, ठीक है ना, क्योंकि वो क्या मेरे को वो क्या डिफरेंशिएशन टॉपिक ऐसा ना जो स्क्रैच से पढ़ाना होता मेरे को, और मैंने लगभग बताओ जब क्लास स्टार्ट की थी ना, मैंने लगभग 15 दिन खाली डिफरेंशिएशन पढ़ाया था मैंने, और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ाया था मैंने, और जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा ही पढ़ाया। अभी ये क्वेश्चन करना है कि x इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय t प्लस 5 रेज टू माइनस 1
acceleration is proportional if displacement is given by, then acceleration is proportional to. पहला वेलोसिटी पावर 3/2, बी डिस्टेंस का स्क्वायर, सी डिस्टेंस पावर -2, चौथा ऑप्शन है वेलोसिटी पावर 2/3। कोई बड़ा सवाल नहीं है, ठीक है, तो दिमाग चलाओगे आ जाएगा। तो क्या होगा आंसर? ये एकम भी नहीं बोला, वंश ने बोला। एक मिनट को मैं चेक कर देता हूँ। सही है, वेरी गुड। वंश का भी सही है, हेत का भी सही है, एकम का भी सही है, बहुत अच्छा। सही है, बाकी लोग भी तो आंसर। ट्राई करो, ट्राई करो। बाकी लोग भी दो आंसर, फटाफट दो आंसर। हाँ सर, होने वाला। करो करो, ट्राई करो। सही है युग। प्लीज एक बार चेक करो। युग बता दो कैसे सॉल्व किया इसको। युग कह बता दो इसको कैसे किया युग। मेरा आंसर नहीं आ रहा। तो तुमने ए ऑप्शन किसने दिया था? अभी युग ने दिया था ना सर? मैंने नहीं दिया था, वो यू का डीवी अपॉन डीटी वाली फॉर्मूला यूज किया। देखो डीएक्स बाय डीटी कर देंगे तो डीएक्स बाय डीटी क्या हो जाएगा? वेलोसिटी। तो इसको करेंगे तो एन एन माइनस वन माइनस टू हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? वेलोसिटी हो गया माइनस t प्लस 5 रेज टू माइनस टू। चेन रूल यूज करो, ठीक है? तो n n माइनस 1, फिर जब इसको करेंगे तो t का तो 1 हो जाएगा, 5 का 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 ही बचेगा। फिर से आप क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं वेलोसिटी को, तो ये एक्सेलरेशन हो जाएगा dv बाय dt। अब इसको फिर से किया तो माइनस माइनस साइन तो रहेगा, n n माइनस 1 माइनस वन माइनस की हो जाएगा ना। ये क्या हो गया हमारा? एक्सेलरेशन हो गया। प्लस टू टी प्लस 5 रेज टू माइनस। अभी हमसे क्या पूछा गया है कि जो क्या कहते हैं, जो एक्सेलरेशन जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है? क्योंकि तो ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया। अब इसमें ना हमको थोड़ा सा जो भी जोड़ घटाओ करना वो करते हैं। टू टी प्लस 5 रेज टू माइनस 3। अभी इसका रिलेशन हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के साथ। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट के साथ देखूं तो इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, देखो तो टी प्लस 5 रेज टू
माइनस वन का पावर थ्री लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा टू टी प्लस फाइव रेज टू माइनस वन, क्या होता है एक्स होता है, ये एक्स का क्यूब हो जाएगा। अरे डिस्प्ले पे पूरा टी प्लस फाइव रेज टू माइनस वन एक्स, लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखो ये एक्सेलरेशन का रिलेशन हो गया डिस्टेंस के साथ, जो कि कहीं भी मैच नहीं कर रहा। यहाँ पे माइनस टू है, यहाँ थ्री आ रहा है, यहाँ पे टू है, यहाँ पे थ्री आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन हम सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो मुझे ना अब सोचते हैं वेलोसिटी के टर्म्स में होगा, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा टू टी प्लस फाइव। अभी देखो तो मैं क्या ले सकता हूँ एक्सेलरेशन को, टी प्लस फाइव माइनस, अब यहाँ पे माइनस टू है, मैं यहाँ पे अगर रख दू माइनस टू रख दू, ठीक है देखो टू टी प्लस माइनस थ्री है ना, मैंने यहाँ पे क्या रखा माइनस टू रख दिया, ताकि ना मैं थोड़ा वेलोसिटी से मैच करवा सकूं। और पावर यहाँ पे अगर मैं दिखा दू थ्री बाय टू, देखो तो ये चीज सही है कि नहीं है, इसके साथ मैच करिए कि नहीं करिए। मैंने क्या किया माइनस टू रख दिया और पावर कर दिया थ्री बाय टू, तो टू टू कट जाएगा माइनस थ्री तो बचेगा, लेकिन मैंने ऐसा क्यों रखा है ताकि ना मैं यहाँ पे टी प्लस फाइव रेज टू माइनस टू जो होता है वो एक वेलोसिटी के इक्वल है। और मुझे क्यों ऐसा रखना है, क्योंकि ऑप्शन में डिस्टेंस के साथ मैच करवाना, नहीं तो वेलोसिटी के साथ, डिस्टेंस के साथ तो कर नहीं पा रहा है तो वेलोसिटी के साथ ट्राई कर लेता हूँ। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई, बोलो हाँ या ना। सर मुझे वो समझ में नहीं, सर मुझे स्टेप समझ में नहीं आया सर, वो देखो सर वहाँ पे माइनस टू कहाँ से आया सर, वहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे नहीं सर, राइट में यहाँ पे ऊपर ऊपर सर यहाँ पे, हाँ वो कहाँ से आया। तुमने चेन रूल पढ़ा है डिफरेंशिएशन का? हाँ सर पढ़ा था सर, फिर भी नहीं आ रहा। एक बार तो बताया तो देखो, अगर लिखा है मैंने x इक्वल टू t प्लस फाइव रेज टू माइनस वन, ठीक है पहले वेलोसिटी निकालेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, n n माइनस वन, माइनस वन के माइनस टू हो गए, फिर अंदर वाले को किया तो t का वन हो जाएगा, आया कि नहीं आया समझ, बोला आया ना, आ गया। अभी एक्सेलरेशन निकालेंगे तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस वन तो बाहर रहेगा, n x रेज टू n माइनस वन तो माइनस थ्री हो जाएगा, आया कि नहीं आया, आया सर, माइनस माइनस प्लस टू हो जाएगा, तो बताओ थ्री प्लस फाइव रेज टू माइनस थ्री हो जाएगा, ये है ना। हाँ सर आगे आगे। अब इसको अब याद रखना, जब तुम्हारे सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो याद रखना हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पहले ऑप्शन को देख, क्योंकि ऑप्शन में बहुत बार हमको छिपा होता है कि हमें स्टेप क्या लेना है। देखो अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है ना तो फिर हमको बुद्धि चलानी पड़ती है, हमारे पास कोई सहारा नहीं होता, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो हमको ऑप्शन को देखना कंपलसरी होता है। अब यहाँ पर देखो ऑप्शन में हम देख रहे हैं कि हमारा या तो वेलोसिटी के साथ रिलेशन मांगा जा रहा है, नहीं तो डिस्टेंस के साथ। तो डिस्टेंस के साथ मांगा गया तो मैंने क्या किया था, इसको माइनस वन का पावर थ्री कर दिया था और डिस्टेंस के साथ मैंने चेक कर लिया, लेकिन ये सही मैच ही नहीं कर रहा तो भाई इसको नहीं छोड़ना पड़ेगा। अब वेलोसिटी के साथ करना है तो वेलोसिटी विद पावर माइनस टू है, तो माइनस टू लाने के लिए हमने क्या किया, माइनस टू यहाँ पे रख दिया, ऊपर पावर थ्री बाई टू कर दिया, ठीक है। अब देखो तो ये टू और वेलोसिटी क्या, देखो ये हमारा हो जाएगा माइनस वी पावर थ्री बाय टू। अब देखो तो ये माइनस टू ये सब कॉन्स्टेंट है, ठीक है प्रोपोर्शन पूछा गया ना, तो वेलोसिटी का कौन सा पावर आ रहा है, थ्री बाय टू आ रहा ना, समझ आया कि नहीं आया, बोलो आया ना सब कोई। यस सर आया, ठीक है ना, किसी को कोई दिक्कत, हमेशा ऑप्शंस पे ऑप्शन पे जाओ और ऑप्शन से देख करके उसको सीखो। एक मिनट रुकना, ठीक है ना।
आज के लिए काफी इतना, ठीक है। मैं ना इसकी डीपीपी भेज दूंगा, और मैंने काफी सारे, मतलब मैंने लगभग 6-7 चैप्टर के मैं क्वेश्चन जो है टाइप करवा रहा हूँ, मतलब अपने, ताकि पार्ट वन का, ठीक है, पार्ट वन का जो अपनी जो एनसीईआरटी है उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, कुछ कुछ वेरी शॉर्ट काफी इम्पोर्टेंट होते हैं, कुछ कुछ शॉर्ट बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, तो सब मैं क्या कर रहा हूँ अभी टाइप करवा रहा हूँ। तो मुझे लगता है ना कि ये पूरा पार्ट वन का सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मुझे लगता है इस वीक में टाइप हो जाएंगे। फिर क्या तुम लोग को ये मैं क्या कहते हैं, मैं सॉफ्ट कॉपी नहीं भेजूंगा, मैं पूरी टाइप करवा करके उसका एक क्या कहते हैं एक प्रॉपर नोट, एक टेक्स्ट बुक टाइप का बनवा करके मैं दे दूंगा, फिर एक बार क्लास पे बुलाऊंगा, ठीक है, फिर दे दूंगा। बिकॉज अभी क्या मैं बुलाऊंगा ना तो मैं 3 चैप्टर का दूंगा, ठीक है, फिर तुम लोग को 2 दिन बाद फिर आना पड़ेगा 3 चैप्टर, तो मैं क्या पूरे पार्ट वन का मैं एक साथ बनवा करके कर दूंगा। तो होपफुली एक हफ्ते में ये काम हो जाएगा, तब तक की ना मैं सॉफ्ट कॉपी भेजता हूँ, और जो भी सॉफ्ट कॉपी भेज रहा हूँ मैं उसकी भी मैंने हॉट कॉपी, मतलब कि चैप्टर वन से लेकर के चैप्टर 7 तक मैं सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, वो सब के सब मैं एक साथ करके मैं बुला करके ना दे दूंगा। और जिन बच्चों को भी मॉड्यूल नहीं मिली है ना वो मेरे को मैसेज कर देना, मैथ्स है कि बायो है, ठीक है, मैं उसके अकॉर्डिंग नीट की नहीं तो IIT की मॉड्यूल्स दे दूंगा, ठीक है ना। तो वो भी आकर के एक हफ्ते बाद जब ये लोगे तब आकर के वो भी ले लेना, ठीक है। तो आज के लिए काफी इतना, बाय, टेक केयर, बाय सर, थैंक यू सर, सर बाय सर। सर मुझे इसमें थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है सर, अगर तो आपने मॉड्यूल कलेक्ट करने भेजी और उसमें डाउट हुआ सर तो मैं आपको कॉल कर लूंगा। किसमें मॉड्यूल जो मैंने भेजी थी, IIT वाली मॉड्यूल जो भेजी है मैंने? नहीं 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 सर, आप मतलब इसमें सर थोड़ा मींस मुश्किल लगता है सर मुझे ये। कौन सा डिफरेंशिएशन? नहीं सर डिफरेंशिएशन आता है लेकिन सर उसके कुछ बेसिक रूल्स है ना वो क्लियर नहीं हुए सर, तो आप मुझे एक बार वो उसके नोट्स भेज दो ना डिफरेंशिएशन के, मैंने आधे ही लिखे नोट्स। तो यार मेरे पास नोट्स तो मैं क्या रनिंग नोट्स ही लिखाता हूँ क्लास में। ओके सर कोई बात नहीं सर, मैं मांग लो किसी के पास। एक बार देखो ना ग्रुप पे किसी के पास भी हो ना तो एक बार ले लो, ठीक है, और अगर डिफिकल्टी अगर आए ना तो मुझे मैसेज कर दो। मैं ना क्या कहते हैं क्लास में सुबह में 11 लगभग 12 बजे के आसपास मैं ना तुम्हें टाइम दे करके मैं वो करवा दूंगा, ठीक है। 12 बजे मुझे एक दिन पहले बोल दो, मैं तुम्हें दूसरे दिन का 12 बजे का टाइम बोल दूंगा, ठीक है। तो उस दिन ग्रुप में मैंने वीडियोस रखी थी, देखो ना। ओके सर, सर मैंने वो सॉरी सर वो वीडियो मैंने नहीं देखी सर, अभी देख लूंगा। हां देख लेना, उसके बाद कोई डाउट होगा ना तो मुझे मैसेज कर देना, मैं 12 बजे जो भी डाउट्स होगा क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। ओके थैंक यू सर, बाय, टेक केयर। और अगर वीडियोस मैं क्या करूंगा फिर से ग्रुप पे भेज दूंगा, तो बच्चे नए ज्वाइन किए ना तो उनको दिक्कत नहीं होगी।